अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ तक तो हमारा ये पूरा वो हो रहा है कि मतलब अब देखिए, जब हम एक्सलिंक्ड, अभी यहाँ पे एक्सलिंक्ड रिसेसिव की बात करें तो ये मेल है, इस मेल का जीनोटाइप होगा XCY और फीमेल यहाँ पे नॉर्मल है तो XXC होगा। तो उस केस में अब जो इनकी यहाँ पे जनरेशन दिखाई गई फोर्थ, उस केस में यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे पास, जो यहाँ पे एक मिनट सॉरी, जो भी यहाँ पे फीमेल होगी, ये वाली फीमेल भी नॉर्मल है एक्सी और ये वाली फीमेल भी यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे मेल भी नॉर्मल है, मेल भी नॉर्मल है, तो ये वाला थर्ड एंड फोर्थ ये भी एक्स इन रिसेसिव को फॉलो कर रहा है यस मैम, कि सारे मेल फीमेल सारे नॉर्मल है। अगर हमारे पास ये मेल क्या हुआ आपका यहाँ पे, मतलब ये आपका अफेक्टेड है। अब उसके इसकी बात करते हैं, ये रह गया होंगे इस केस में, ये फीमेल तो ये वाली नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्स मानते हैं। उसके बाद ये मेल क्या था, एक्स सी वाई, उस केस में यहाँ पे क्या क्या इनके बच्चे हो सकते हैं, यहाँ पे सारे नॉर्मल दिखाए, सारे नॉर्मल ही होंगे ना यहाँ पे, बताओ। यस मैम, लड़कियां कैरियर होंगी बस। सारी लड़कियां कह रही है, यस मैम, एक ही है वैसे प्रोजेनी में। तो इसका मतलब इनका जीनोटाइप होगा ये वाला। और ये जो मेल है यहाँ पे, ये मेल तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल है मैम। तो जब ये वाला केस होगा तो इस केस में भी मेल के डिजीज होने के चांसेस जरूर है। तो अगर हम इस पूरी पेडिग्री को देखें तो ये हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव को फॉलो कर रही है, यस बताइए। मैम, और अगर हम एक बार, चलो एक वो भी कर ही लेते हैं, आपका ऑटोसोमल डोमिनेट, ऑटोसोमल रिसेसिव वाला, तो मैम कर लिया था वो पहले मैम, उस केस में क्या हो रहा है, उसमें भी वायबल है। वायबल, इतना पोर्शन वायबल है, इतना रह गया था हमारा। अगर आप उसको करके देखोगे तो ही हमें पता चलेगा, मैम यस कर लो। ठीक है। पर यहां तक हमारा क्या हो रहा है, ये ऑटोसोमल सॉरी एक्स लिंक्ड रिसेसिव को ये वाली पेडिग्री यहाँ पे फॉलो कर रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप देख लेना यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी गई है। चलो अब आप एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी में ये दो प्रॉब्लम्स दी गई है, ए वाला बताइए और बी वाला बताइए, एग्जाम्पल वही वाले हैं सारे। यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोसोमल डोमिनेट पहला, इसका ऑटोसोमल रिसेसिव, थर्ड है एक्स लिंक्ड रिसेसिव और फोर्थ है एक्स लिंक्ड डोमिनेट एंड फिफ्थ है वाई लिंक्ड। तो बताइए ए पेडिग्री किसको फॉलो करी है, बी किसको कर रही है। ऑप्शन समझ में आ गए ना कौन कौन से हैं, ऑटोसोमल डोमिनेट मैम होगा ए तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है कौन सा वाला, मैम, ए ठीक है, और बी वाला, मैम निकाल रहा हूँ एक मिनट, बी वाला। ऑटोसोमल रिसेसिव होगा या फिर एक्स लिंक डोमिनेट होगा या फिर एक्स लिंक रिसेसिव होगा, ये चार ऑप्शन मिलते हैं। मैम बी ऑटोसोमल रिसेसिव है। चिंता बताओ,
सीमता आपने सॉल्व कर लिया? जो पहला वाला जो केस है, चलो करते हैं उसको। तो पहला वाला यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे अगर हम ये वाला देखें, ये पहली जनरेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये वाली भी थर्ड है, ऐसा ही है। अब उसके yes, बाद यहाँ पे देखिए जो ये वाले हैं ऑफस्प्रिंग कैसे अफेक्टेड है, तो जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उसके पेरेंट्स भी अफेक्टेड है, तो बिल्कुल ये किसको फॉलो कर रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट को। ऑटोसोमल रिसेसिव ने क्या कहा था कि जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें उनके पेरेंट्स अनफेक्टेड हो सकते हैं, उसके बाद जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होंगे वही डिजीज आगे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, तो यहाँ पे अफेक्टेड बच्चे आ रहे हैं और ये भी अफेक्टेड था, ये डिजीज ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इन्हीं से ये सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, और हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट में कहा था कि जो पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं उनके बच्चे हमेशा ही नॉर्मल होंगे, कभी भी अफेक्टेड नहीं होंगे। तो हमारे पास जो पहली पेडिग्री है वो आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट को बिल्कुल यहाँ पे वो कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके ऑटोसोमल सेकंड वाले की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला ऑफस्प्रिंग देखिए ये कैसा है, अफेक्टेड। अफेक्टेड होने के बावजूद इसके पेरेंट्स यहाँ पे कैसे हैं, नॉर्मल है। तो सबसे पहला हमने सबसे पहले यही स्टार्ट किया था आपका ऑटोसोमल रिसेसिव में, जब हमने कहा था कि उसमें जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उनके अनअफेक्टेड पेरेंट्स हो सकते हैं। और ये देख लो यहाँ पे, ये भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है और यहाँ पे पेरेंट्स देखिए ये भी क्या है आपके, नॉर्मल एकदम, और ये जनरेशन को स्किप करते। तो देख सकते हो यहाँ पे डिजीज नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हो रही है और फिर यहाँ पे भी हो रही है। तो हमारे पास ये जो सेकंड वाला है वो किसको शो कर रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव को शो कर रहा है, ठीक है। तो ए वाला हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एनसीईआरटी वाली पेडिग्री है जिसमें एग्जांपल दिया गया है मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी का। और इसके अलावा बी पेडिग्री दी गई है ऑटोसोमल रिसेसिव की, जो हमें बताती है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब यहाँ पे ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है उसका क्या नाम है, मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी। एनसीईआरटी में इस डिजीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि ये क्या होती है, बस उनकी पेडिग्री से बता दिया कि ये डिसऑर्डर कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये डिजीज क्या होती है। तो हमारे पास ये जो मायोटोनिक डायस्ट्रोफिया है ये क्या होता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ये तो हमने देख ही लिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और इसे हम मस्कुलर डायस्ट्रॉफी भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब एक पर्सन अडल्ट होता है, अडल्टहुड में उसकी जितनी भी मसल्स होती है वो वहां पे क्या होता है, गेन नहीं हो पाता है, सारे मसल्स का लॉस होना शुरू हो जाता है और एक पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा एक्चुअली छोटी हो गई पिक्चर, तो यहाँ पे नॉर्मल बाइसेप्स देख पा रहे हो, इस तरह से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे स्वेल है और यहाँ पे देखिए एकदम लंबे लंबे से यहाँ पे मसल्स प्रॉपर ढंग से बनी नहीं पाती है। जिसमें सबसे पहली चीज ये हमें कब देखने को मिलती है, अडल्टहुड में स्टार्ट होती है। और क्या होता है, प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग और वीकनेस, मतलब मसल्स का यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आपने कई बार ऐसा देखा है या कई बार सुना है कई पर्सन के केस में क्या होता है, क्योंकि जबड़े मतलब जो टीथ होते हैं ना पूरे लॉक हो जाते हैं, ऐसे मतलब कैसे कहूंगा आपको कि अगर आप अपने पूरे दोनों अपर एंड लोअर जॉ अगर आप बंद करो ना तो ओपन ही नहीं होता है, एकदम पूरा लॉक हो जाता है। कई बार जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई ना कोई भी आपने ऐसे ये पकड़ लिया जैसे कोई अपने हैंडल पकड़ लिया, अब हैंडल को आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे, आप बस पकड़ लिया उसको, ग्रिप पकड़ ली, हम उनकी छोड़ो छोड़ो लेकिन वो उसको रिलीज ही नहीं कर पाते। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आपको पता है मसल से क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और मसल रिलैक्स भी करती है। तो मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाती है लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाती है। तो रिलैक्स नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि जो भी वो काम कर रहे होते हैं वहीं पे अटक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है,
जो पीपल इस डिसऑर्डर से सफर करते हैं उसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रेक्शन, मतलब बहुत ज्यादा मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है एंड आर नॉट एबल टू रिलैक्स द सर्टेन मसल आफ्टर यूज. यूज के बाद क्या होता है, हमारी मसल्स नॉर्मल हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वी हैव डिफिकल्ट रिलीजिंग देयर ग्रिप ऑन अ डोर नॉब और द हैंडल, कुछ पकड़ लिया उसको, वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे. एंड अफेक्टेड पीपल मे हैव स्लर स्पीच एंड टेम्पररी लॉकिंग ऑफ योर जॉ, मतलब एकदम पूरे टाइट हो जाते हैं. तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो लोअर जॉ होता है ये मैंडिबल, इसमें मसल्स होती है तभी तो हम इसको मूव कर पाते हैं, कि उसमें क्या होता है, उसमें रिलैक्सेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आती है. जिसे कहते हैं मायोटोनिक डायस्ट्रोफी. और ये किसका पार्ट होता है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी का. जब आप प्लस वन में लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, तो वहां पर भी ये डिसऑर्डर दिया गया है. अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर भी लिखा गया है कि इट इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर. समझ आ गया आपको क्या होता है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी में. और एक ऐसा डिसऑर्डर है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है. तो आपका चैप्टर इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है. समझ आया? तो अब आपका चैप्टर खत्म हो गया है. तो प्लीज अब आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना. आज हमारी पेडिग्री रहती थी वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी. प्लीज आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं.